करते हैं जो अभी तक पढ़ा था एंड फिर फटाफट जो आगे का टॉपिक है वहां पे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब तक जो हमने सीखा था वो करंट के अबाउट सीखा था। करंट का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम, उसी को अगर छोटा चार्ज लिखते थे तो डी क्यू अपॉन क्या होता था, डी टी। अगर डेल्टा क्यू एवरेज निकालते थे तो डेल्टा क्यू अपॉन कितना होता था, डेल्टा टी। ये ऑलरेडी देख चुके थे। करंट का एसआई यूनिट चार्ज का कूलम्ब होता था, टाइम का सेकंड होता था, तो कूलम्ब पर सेकंड हो जाता था। स्केलर क्वांटिटी था क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसके आगे जो देखा था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के अबाउट मैंने बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉलिजन होने के बाद वाली वेलोसिटी जो बचती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। मैंने बताया था 10^5 टू 10^6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ 10^5 टू 10^6 मीटर पर सेकेंड। ये थर्मल स्पीड होती थी इलेक्ट्रॉन की। थर्मल स्पीड मींस ड्यू टू थर्मल एनर्जी या ड्यू टू हीट एनर्जी होती थी। उसके कारण से जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो आसपास के आयन से कोलाइड करता है। कोलाइड होने के बाद जो स्पीड बचती है वो अराउंड 10^-4 मीटर पर सेकेंड के आसपास रह जाती है। इसका मतलब काफी स्पीड डिक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते थे, इसीलिए लिखते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता था उसको रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलते थे। जैसे कि किसी भी कंडक्टर में लाखों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोलिजन टाइम सबका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। हमने एवरेज टाइम लिया था। सो टाउ जब लिखा था टाउ वॉज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ जहां पे भी लिखेंगे वो क्या रहेगा बच्चे, एवरेज रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एंड उसके बाद क्या सीखे थे हम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का एग्जैक्टली रिलेशन था माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। सुनाई दे रहा है क्या सबको बच्चे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू थी माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, जिसमें माइनस ये इंडिकेट करता था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इसी का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखते थे तो उसकी वैल्यू होती थी कितनी, मैग्नीट्यूड जब निकालते थे तो उसकी वैल्यू होती थी ई बाई एम इंटू टाउ। यहां तक होप कि सबको याद रहा होगा। ठीक है, अब चलो इसके आगे वाले टॉपिक पे आते हैं जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। बोलो सर। बोलो सर, टॉर्क और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से ही डिनोट करेंगे क्या? अभी क्या है ना बच्चे कि बहुत सारा सिंबल जो है ना वो एक ही चीज का होता है। हम S फॉर क्या होता है, S फॉर डिस्टेंस भी होता है, S फॉर सरफेस एरिया भी होता है। अब अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग हम रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सो टाउ मीन्स अपना टॉर्क भी रहेगा और टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम भी रहेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी में जब टाउ आएगा तो रिलैक्सेशन टाइम रहेगा, और जब टॉर्क से रिलेटेड कहीं कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कुछ अपना सेकेंड चैप्टर आ रहा है, या और भी आएगा मैग्नेट में भी टॉर्क की बात की जाएगी, या इलेवेंथ में भी जब रोटेशन चैप्टर देखेंगे तो वहां पे टॉर्क को भी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे पास सिंबल फिक्स है और क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो रिपीटेशंस होते हैं। ठीक है, सो रिपीटेशन से टेंशन नहीं लेना है। टाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन में रिलैक्सेशन टाइम आएगा, जहां टॉर्क वगैरह की घूमने उमने की बात आएगी वहां पे भी उसको टाउ ही लिखेंगे, लेकिन वहां पे टॉर्क रीड करेंगे उसको। ठीक है, ठीक है सर। सो अभी थोड़ा सा और बात किए थे रिलेशन बिटवीन, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट था इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का। और एक डेरिवेशन था करंट के साथ, नी आवड़े, एन ई ए वी डी, नी आवड़े, या इसी को वीना भी लोग बोलते हैं, वीना। सही है, यहाँ पे वी जो होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जिसको जैसे भी याद रखना है, अगर नी आवड़े याद रखना है, नहीं आता है कुछ भी, वैसे भी कुछ भी नहीं आता है मैक्सिमम लोगों को, सो ये याद रखो। अब किसी को वीना जी पसंद आती है तो वीना याद रख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ वी जो है याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म भी बच्चा मैंने सिखाया होगा,
मेन सारे फॉर्मूला भी याद नहीं रख सकते कुछ, अभी दो से कैसे याद रखना है देखो, I इक्वल टू एन ई ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो ई बाई एम इन टू टाउ, तो एक करंट का अलग फॉर्म बन गया। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई स्क्वायर ए इंटू ई टाउ अपॉन एम, एक फॉर्म ये हो गया करंट का। दूसरा फॉर्म हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेद वाला जो फॉर्मूला V इक्वल टू ई डी हम यूज कर सकते हैं, तो E इक्वल टू V अपॉन डी। V वहां पे क्या था बच्चे, सो जो वेव लिखते थे V पोटेंशियल डिफरेंस था दो कंडक्टर के बीच का, E इलेक्ट्रिक फील्ड था, और D D की जगह हम यहाँ L ले रहे हैं क्योंकि कंडक्टर का लेंथ कितना ले देते हैं, L लेते थे, ऐसा कुछ होता था। अगर यहाँ दो टर्मिनल है तो एक पॉजिटिव होता था दूसरा निगेटिव होता था, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो V लेते थे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता था लेंथ होता था उसको L लेते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता था। सो रिलेशन V इक्वल टू क्या था, E इंटू L। अगर उसी को यहाँ पे E की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए इंटू E के जगह लिख सकते हैं V अपॉन L, यहाँ पे टाउ और नीचे में क्या हो गया M। ध्यान से देखना जब भी मैं स्पीड लिखता हूं तो ये V के साथ कर्ली होता है, कहीं पे भी मैं लिखता हूं ध्यान नोटिस करना, जब भी स्पीड की बात होती है क्योंकि V स्पीड भी है और V वोल्टेज भी है, जब भी मैं वोल्टेज का V लिखता हूं तो V एकदम सीधा रहता है, और जब भी स्पीड वाला भी लिखता हूं तो उसके साथ वो करली मैन मारता हूं, ये आदत है मेरी। सो यहां पे आते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एक फॉर्म ये हो गया था। सो यहां तक किसी को डाउट है बच्चे, अब तक जो किया गया था बोलो जल्दी, सुनाई दे रहा है बच्चे, हाँ। सो एक का ही आवाज है, बाकी पता नहीं चल रहा है किधर। सो होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगी, एक बार जोर से बोलो कोई भी डाउट है यहाँ तक, वेरी गुड। नाउ अब एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, और आज का जो मैक्सिमम टॉपिक होगा ना वो छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन डेरिवेशनल टॉपिक है सर, मतलब बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला तो अभी ये फॉर्मूला याद मत रखना, याद ये रखना और एक टाउ और वीडी वाला रखना, उससे ये सब रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला को हम याद नहीं रख सकते हैं, मुझे भी याद नहीं है शायद तुम्हें भी याद नहीं होगा, ठीक है। सो अब आते हैं एक नया टर्म जिसका नाम है करेंट डेंसिटी, जिसका नाम है करेंट डेंसिटी। नहीं दिख रहा है बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है, वापस से लिखते हैं। सो आप देखो तो दिख रहा है क्या, बोलो नो सर, हाँ सर, हाँ नो सर, तो थोड़ा नीचे लिखो। अरे तुम लोग क्या कराओगे, बोर्ड का तो यूज ही नहीं करने दोगे मुझे। सो थोड़ा और आते हैं, हाँ अभी आते हैं करंट डेंसिटी, आप दिख रहा है बच्चे, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करेंगे, यहाँ माइंड में फिट करना, डेरिवेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से, स्मॉल भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये करंट को भी कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों लिख सकते हैं। सो करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ऊपर में क्या डाल दिया, एरो डाल दिया। क्वेश्चन है करंट डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेंसिटी मींस क्या, बोलो कोई एक बोलो जल्दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। सिंपल, जब भी डेंसिटी के बच्चे बात होती है ना तो आइदर एरिया से डिवाइड होता है या लेंथ से डिवाइड होता है, नहीं तो वॉल्यूम से डिवाइड होता है। अब एक देखिए एक कंडक्टर मैंने लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, ये सपोज दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल है निगेटिव, लाइक बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया होगा, इस टाइम में जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो पर्टिकुलर किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होता है, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होता है, तो करंट भागता है। अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मतलब दोनों में से कोई कोई लेता है तो कोई गलत नहीं है। अगर किसी ने करंट का डायरेक्शन माइनस टू प्लस बोला तो भी सही है, प्लस टू माइनस बोला तो भी सही है, जो प्लस टू माइनस बोलेगा वो कन्वेंशनल वाला लेके रेफरेंस बोलेगा,
और जो माइनस टू प्लस बोला होगा वो इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेके बोला होगा। तो सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो करंट भी इधर ही जा रहा होगा, किधर से पास होगा? सो पर्टिकुलर किसी इस एरिया से पास हो रहा होगा। तो सिंपल बताओ किससे डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ से, एरिया से कि वॉल्यूम से? एरिया। सो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन हो जाएगा? तो सिंपल, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू, देखो पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब एरिया जो है ना, एरिया ये वाला ले रहा है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है ना, तो एरिया क्या उसके परपेंडिकुलर वाला ले रहा है। ध्यान से सुनो, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आ रहा है, करंट अगर ऐसे आ रहा है, तो एग्जैक्टली अगर फ्लो ऐसे है तो हम एरिया उससे परपेंडिकुलर लेते हैं। वैसे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तुमको तो पता ही है ना, जिधर से भागेंगे उससे क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। या इन शॉर्ट, करंट पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर आइदर फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल या लो टू हाई पोटेंशियल, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा रेफरेंस दिखाते हो, किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो सिंपली करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? करंट डेंसिटी। यस सर, ना बच्चे जल्दी। यस सर। हाँ, अब आई का बहुत फॉर्म है, आई इक्वल टू हमें पता है नी आवड़े एन ई ए वी डी अपॉन क्या है बच्चा, ये एरिया है, तो एरिया एरिया क्या हो गया, कट। जैसे एरिया एरिया कट हो गया तो यहाँ पे जे का एक फॉर्म आ गया एन ई वी डी, एन ई वी डी, वी डी का भी एक फॉर्म है हमारे पास, VD इक्वल जो बच्चा हमें पहले से पता है, क्या पता है? सो E by M into क्या लिख सकते हैं बच्चे, टाउ लिख सकते हैं। तो J का एक और वैरायटी आ गया, ये सब अलग अलग है, तुमको एग्जाम में जब पूछता है ना तब डेराइव करने के लिए रहता है, और डेरिवेशन वो दिया रहता है क्या डेराइव करना है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुमको क्या डेराइव करना है। J का तो एक फॉर्मूला हो ही गया एन ई वी डी, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया क्या n into e square, e by m into क्या हो गया tau, एक फॉर्म ये भी हो गया, e equal to v by l, देखो यहाँ पे कहीं लिखा था e equal to v by l, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n e square v upon m into l into tau, तो ये भी एक फॉर्म हो गया। तो तुमको जो जो फॉर्म दिखता है ना क्वेश्चन में, उस फॉर्म में तुम ब्रेक कर सकते हो, बट तुमको मेन डेफिनेशन करंट डेंसिटी की पता होना चाहिए कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया perpendicular to direction of charge या direction of current is called current density। SI unit भी लिख सकते हैं बच्चे, SI unit क्या हो जाएगा, तो simple, SI unit क्या लिखेंगे, तो current का ampere और area क्या हो जाएगा बच्चे meter square, तो इसका SI unit क्या हो जाएगा ampere meter square, ठीक है? अब इसका direction किधर से किधर होगा, तो अगर current का direction positive to negative ले रहे हो तो करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन माइनस टू प्लस करंट का ले रहे हो तो करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, माइनस टू प्लस। तो डिपेंड करता है कि तुम करंट का डायरेक्शन कौन सा ले रहे हो, ठीक है बच्चे? अरे बोलो जल्दी। यस सर। रफ करूं जल्दी, रफ करो क्या, स्क्रीनशॉट मार लो, हो गया होगा, ठीक है? सो चलो इसके बाद बच्चे पता है क्या है, कई बार ना इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो देखो सिंपल है, J इक्वल टू अगर छोटा करंट ले लेते हैं तो छोटा करंट छोटे एरिया से पास होगा, मतलब ये पूरा एरिया ए लिया तो सबका सब करंट पास हो रहा है, अगर थोड़ा सा एरिया लेगा तो थोड़ा सा एरिया लेंगे तो थोड़ा सा करंट पास होगा। तो J इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डीआई अपॉन डीए, डीआई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, सो डीआई इक्वल टू लिख सकते हैं J इनटू डीए, सही है? अब सिंपल, डीआई इक्वल टू अब इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आएगा ना, यस और नो बच्चे, क्या करने के बाद आएगा, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट करेंगे, एक चीज और ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं, करंट स्केलर के वेक्टर जल्दी बोलो, करंट डेंसिटी स्केलर की वेक्टर,
अरे बोलो, स्केलर। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से करंट भागता है तो आता है। अब करंट का डायरेक्शन, अभी करंट जो है ना वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फिर से सुनना ध्यान से क्या बोलता हूं, करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। बाकी करंट के पास भी तो डायरेक्शन है ही। करंट डेंसिटी इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। फिर से ध्यान से सुनो, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। बट करंट डेंसिटी जो होता है ना, इसका तो डायरेक्शन होता ही है ना, तो इसका डायरेक्शन होता है तो अच्छी बात है। डायरेक्शन होने से ये इसके पास डायरेक्शन आया, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, इसीलिए करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तभी तो बोला इसका डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव भी ले सकते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन तुम करंट का डायरेक्शन क्या ले रहे हो, प्लस टू माइनस ले रहे हो या माइनस टू प्लस ले रहे हो। क्या बोला बच्चे, पता चला? आप सोचो ध्यान से, यहां पे J into dA लिखा है, J into dA लिखा है। अब करंट स्केलर की वेक्टर, जल्दी बोलो, स्केलर। करंट डेंसिटी स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। अब हमें अगर यहां पे ये स्केलर चाहिए तो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चे? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तुम सबको पता चल गया अभी तक। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहा होगा, तभी करंट क्या बना होगा? स्केलर क्वांटिटी। अब इसी को इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो डीआई का इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे डॉट डीए। ये हो गया बच्चा हमारा करंट की वैल्यू। किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। नो सर। तो एक्चुअली मैक्सिमम टाइम ना इसकी डेरिवेशन ही पूछते हैं, कई का बहुत ही रेयरली ना ये यूज किया जाता है, ठीक है? इसके बहुत ही किस्मत खराब रही तो शायद क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आते हैं, ठीक है? सो इसके बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया जाए बच्चे, बोलो। हाँ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे है कि फाइंड द करंट डेंसिटी, फाइंड द करंट डेंसिटी इन अ वायर, इन ए वायर ऑफ डायमीटर, ऑफ डायामीटर 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, in which current of 10 ampere flows, current of 10 ampere flows। बताओ, फालतू क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा फालतू है? अरे बोलो, क्या क्या दिया है? सो देखो, यहां पे डायमीटर दिया है, डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर। इसी को लिख सकते हैं बच्चे 2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि SI यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। साथ में करंट की वैल्यू दिया है, करंट की वैल्यू कितना दिया है बच्चे? 10 एम्पीयर। अब दिक्कत ये है ना कि हमारे पास ना एरिया चाहिए और एरिया गिवन नहीं है, तो कॉमन सेंस से करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? तो कंडक्टर में, और कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हम क्या लेंगे बच्चे? बोलो, सर्कल लेंगे क्या? तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लेंगे हम? सर्कल ले लेंगे। तो J का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I अपॉन A, और A की वैल्यू क्या ले लेंगे? पाई R स्क्वायर होता है, बट डायमीटर के टर्म में क्या लिख सकते हैं? D स्क्वायर बाई 4, क्योंकि R इक्वल टू D बाई 2 होता है, तो D स्क्वायर बाई 4। सर, छोटी सी लिखो, नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऐसा, ठीक है, चलो। सो J इक्वल टू लिखा I अपॉन A, I अपॉन A को लिख सकते हैं पाई D स्क्वायर, चेक करो, सॉरी पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 पलट के ऊपर चला गया, तो 4 × I अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर। तो चेक करो, 4 हमें पता है, D हमें पता है, और I हमें पता है, निकल जाएगा क्या बच्चे?
निकल जाए। पक्का ना? सो मैं रब कर रहा हूँ, आप बाकी आप लोग बहुत समझदार है ऐसा मुझे पता चलता है, सो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। सो करेंट डेंसिटी में किसी को डाउट है बच्चे क्या? हाँ, तो अगर किसी ने पूछा ना कि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो बोलना देखो भैया करंट जो है करंट में भी डायरेक्शन होता है और करंट डेंसिटी में भी होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि करंट जो होता है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है और करंट डेंसिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, इसीलिए क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी। बाकी दोनों का डायरेक्शन होता सेम है, अगर करंट तुमने प्लस टू माइनस लिया है तो उसका भी प्लस टू माइनस होगा, अगर करंट तुमने माइनस टू प्लस वाला लिया है तो डेंसिटी का भी डायरेक्शन माइनस टू प्लस होगा, ठीक है बच्चे? यस सर। नाउ एक टॉपिक है उसका है मोबिलिटी, म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी मोबिलिटी एक्चुअली एक दो मार्क में, ध्यान नहीं मेरे को एक मार्क में पूछते हैं कि दो मार्क में, ऐसे क्वेश्चंस नीट में ना आज भी चार मार्क के लिए मोबिलिटी से रिलेटेड पूछ लेते हैं और नहीं तो बोर्ड में पूछते हैं, JEE में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। सो मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन है मोबिलिटी होता क्या है। मोबिलिटी थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स कुछ तो ऐसा लग रहा है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, जल्दी बोलो। आंसर है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन तो भागते नहीं है इसीलिए चार्ज कैरियर उसको नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे एक कंडक्टर है, अब मोबिलिटी मतलब मोबाइल कैरियर की बात होती है, मोबाइल कैरियर मतलब चार्ज की बात होती है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की बात होती है। अब इलेक्ट्रॉन बताओ ये कंडक्टर में हमारे रुका रहता है कि मूव करते रहता है, जल्दी बोलो। मूव करता है, मूव करते रहता है, किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेरी गुड, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। एग्जैक्टली कौन से स्पीड से मूव करता है? 10^5 नहीं, जिस वेलोसिटी से मूव करता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड। सो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, कम होगा ज्यादा होगा कौन डिसाइड करता है? जल्दी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड? ना 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 ना, वो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी से भागता है उसके बाद कोलिजन होता है उसके बाद जिस स्पीड से भागता है, हाँ नंबर ऑफ कोलिजन ना बच्ची, नंबर ऑफ कोलिजन तो ठीक है ना, एक एवरेज मान लिए इतना होता है, वो तो होना ही है, उसमें कुछ कोई शक नहीं है, अगर 100 कोलिजन होना है तो 100 कोलिजन हो रहा है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस और माइनस के कोण से बच्चे ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, सब कुछ यही तो रेस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज थर्मल स्पीड के कोण से जाए कोलाइड होकर रुक जाते हैं, फिर से भागते हैं, क्यों? क्योंकि ये भगाता है उसको। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो कि माइनस टू प्लस उसको लेके आता है, ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है रैंडम होता, नेट करंट की वैल्यू जीरो लेते हैं, फिर यहाँ पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से वो माइनस टू प्लस जा रहा है, और कितने स्पीड से जा रहा है वो भी कौन डिसाइड करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करेगा। सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई, फिर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो गई, उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोज से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हुई। देखो मैंने बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी अराउंड 10^-4 मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स होता है, अलग अलग ये पे फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग उसकी वैल्यू आएगी। मैंने तो अप्रोक्स रेंज तुमको बताया कि इतनी होगी, जैसे थर्मल एनर्जी के थर्मल स्पीड कैसे बताया था 10^5 to 10^6,
मतलब कुछ भी हो सकता है, अराउंड उस रेंज में होता है क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा उतना ही होता है। अब रूम टेम्परेचर 27 की जगह 100 डिग्री करोगे तो थोड़ी उतनी स्पीड से जाएगा, और ज्यादा स्पीड से जाएगा, वो तो एक नॉर्मल रेंज बताया गया था रूम टेम्परेचर पे। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कितनी स्पीड आई, दैट रेशियो डिफाइंस मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आया कि नहीं आया जैसे बोलो। अरे बोलो, किसी का डाउट नहीं है? अरे बोलो। आया सर। हाँ, सो इसका और फॉर्म लिख सकते हैं बच्चे, म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ee by m into tau, ऐसा था मत बोलना नहीं था, एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया e, सो e से e कैंसिल, सो म्यू की वैल्यू क्या हो गई e into tau बटे m, म्यू इक्वल टू e into tau बटे m, सो दैट मोबिलिटी का यूनिट जो होता है वो यूनिट लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा तो न्यूटन पर कूलम, सो कूलम किधर चला गया ऊपर, या दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सॉरी मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी होता है। अरे वेद वाले फॉर्मूला में इक्वल टू वी बाई एल लिखते हैं ना, तो यहाँ पे वोल्ट मतलब वोल्ट पर मीटर, मीटर एक पलट के ऊपर, तो ये भी हो सकता है। तो दो दो इसका यूनिट होता है बच्चे, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट, या मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। आया कि नहीं आया बच्चे? अरे बोलो, सबको आया क्या? आया सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। हाँ तो ठीक है, इसके अबाउट ना एक टाइम पास क्वेश्चन पूछते हैं, पता बोर्ड में, नीट में तो जानते हो, नीट में तो कभी कभी मजाक कर ही देते हैं, बोर्ड में क्या करते हैं ना ई की वैल्यू दे देंगे और बी की वैल्यू दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं, और ज्यादा ज्यादा नीट में गुस्सा करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और मास दिया रहता है, रिलैक्सेशन टाइम उसका दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो तुमको पहले से पता होता है, टाउ तुमको दे दिया तो म्यू की वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना कि मोबिलिटी एग्जैक्टली क्या बताता है, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड एक्वायर हुई, मतलब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई। ठीक है बच्चे? अरे आया ना? हाँ सर। हाँ। अब आते हैं पूरे फिजिक्स का सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक जिसमें सबको अच्छा अच्छा फील होता है, टेंथ में भी अच्छा अच्छा फील हुआ था, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताओ, कौन बताएगा ओम्स लॉ क्या होता था, जल्दी बोलो। अरे बोलो, V is equal to IR. V is directly proportional to potential difference. V is directly proportional to potential difference. ऐसा? हाँ? अरे V is directly proportional to I होता था। चलो देखते हैं एक बार। Ohm's law क्या बताया था? बहुत सिंपल आदमी था Ohm. Ohm एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक लॉ दिया था। लॉ कैसे दिया था देखो बच्चे, उसने बोला कि कंडक्टर का देखो भैया दो एंड होता है, कंडक्टर का दो एंड होता है, उस दो एंड में जब हम बैटरियां लगाते हैं, मतलब सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो एक प्लस हो जाता है एंड और दूसरा हो जाता है माइनस, इस प्लस के कोण से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव हो जाता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कोण से, पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी। अब सोचो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बोलो जल्दी। वी होगा, सिंपल। तो उसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो इनके बीच का भी, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना है वी, दैट पोटेंशियल डिफरेंस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट के बाद ही ये लॉ अप्लाई होता है। टेंथ में कई बार एक मार्क में पूछा जाता है कि क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है, आंसर है नहीं, लिखते थे तुम ही लोग लिखते होगे कि क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है, आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जो होते हैं ना, मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया था स्टार्टिंग में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते,
दूसरा टेम्परेचर अगर चेंज कर दोगे ना तो ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं रहता है। तो बहुत सारे कंडीशंस है, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहां से करंट मैं ले लिया प्लस टू माइनस जा रहा है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चे आई। सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे इक्वल टू किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आया जो कि नेचर ऑफ कंडक्टर को यह बता रहा था, उसी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट का नाम रख दिया गया आर। आर एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट था जिसकी वैल्यू हमेशा, आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चे वी अपॉन आई। फिर से आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चे वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चे यहां तक? अरे बोलो। हाँ, सो वी और आई के बीच का ग्राफ कैसे जाएगा बताओ जल्दी जल्दी। आंसर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? तो स्ट्रेट लाइन इसलिए बिकॉज ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। बताओ ये स्लोप किसको बताएगा जल्दी? आंसर है आर को। और जरूरत पड़ने पर आर को कभी भी क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा। सो दैट इज कॉल्ड थीटा। ये इसी को क्या बोलते हैं? थीटा। और ये किधर से बनता है? तो आई वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस से, यही थीटा। सो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। स्लोप इक्वल टू टैन थीटा होता है जो कि किसको बताएगा? रेजिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा बच्चे? रेजिस्टेंस को। किसी को डाउट है यहाँ पे? अरे हाँ या ना, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं मैं साथ साथ में ना, स्क्रीनशॉट मारते जाओ या लगे तो लिखते जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं बच्चे। अच्छा, उससे पहले ध्यान रखना ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ये रिलेशन फॉलो करता है। ठीक है, अदरवाइज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है, आर की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट किसी भी कंडीशन में आर की वैल्यू वी अपॉन आई रहेगी। भले वो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन आर की वैल्यू जो निकालेंगे वो वी अपॉन आई ही फॉर्मूला चलेगा, वी अपॉन आई। ठीक है, दूसरा, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेमीकंडक्टर पूरा हमारा एक चैप्टर है, आएगा बाद में, वहां पे सेमीकंडक्टर में बताया जाएगा। वो मटेरियल बनाया है इसलिए गया क्योंकि हम चाहते थे कि एक ऐसा मटेरियल हो जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या थी ना ओम्स लॉ स्टेटमेंट की, वी बढ़ाओ आई बढ़ जाता है, वी कम करो आई कम हो जाता है, बहुत गलत बात थी। हम चाहते थे कि वी बढ़ा दे आई कम कर ले, आई बढ़ा दे वी कम कर ले, वी बढ़ रहा है आई रुका रहे, इसीलिए सेमीकंडक्टर बनाया गया था। तो ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बट ओम्स लॉ जो है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में बताता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर होता है एंड आई उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट होता है। सो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे फटाफट, देखो ये वी है और ये आई है, यहाँ दो रेजिस्टेंस ले लिया, एक ये आर वन और ये एक आर टू, बताओ कौन बड़ा है जल्दी? आर वन सच में आर वन बड़ा है, ध्यान से देखो जल्दी, आर वन ही बड़ा है। आर वन क्यों बड़ा है कौन बोलेगा? स्लोप ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा एंगल किसका है? ज्यादा एंगल है आर वन का, तो ज्यादा एंगल ज्यादा होने से क्या होता है? एंगल ज्यादा होने से टैन थीटा ज्यादा होगा, टैन थीटा ज्यादा होने से स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, एज थीटा वन इज ग्रेटर देन क्या है थीटा टू, सो आर वन इज ग्रेटर देन क्या है आर टू। किसी को डाउट है बच्चे? No, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम ग्राफ बनाया है आई वर्सेस वी का, यहाँ पे दो ले लेते हैं, एक का रेजिस्टेंस ले लेते हैं ए और दूसरे का रेजिस्टेंस ले लेते हैं बी। ए और बी दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का कि बी का? ए का। किसी को डाउट है? बी का। आंसर है बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है।
किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? बी का। गड़बड़ कर दिया ना, देखो इधर ध्यान से, ये लाइन जब नीचे खींचते हैं ना, 11 क्लास में सिखाया जाता था। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या है, सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे अपोजिट कितना है बच्चे, तो अपोजिट वाला वोल्टेज है और एडजेसेंट वाला करंट है, मतलब R इक्वल टू क्या है, V अपॉन I, मतलब स्लोप जो है, मतलब क्या है, स्लोप जो है यहाँ पे R जो है किसको बता रहा है, V अपॉन I को। यहाँ पे जो स्लोप है V और I का, V और I का, वो R को बता रहा है कि 1 बाई R को बता रहा है, जल्दी बोलो, 1 बाई R को बता रहा है। अरे देखो उलट दिया है, तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो स्लोप इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो बताएगा ना, ध्यान से सुनो, नोट करके लिख देता हूं, एन ओ टी ई, अगर ये आई है और अगर ये वी है तो ये स्लोप सही है, बट ये स्लोप आर को नहीं बताएगा, किसको बताएगा, 1/r को। इसका मतलब ये 1/r ना, तो ज्यादा स्लोप किसका है, ए का, तो रेजिस्टेंस किसका होगा, सबसे कम ए का, ठीक है। So resistance of A is less than resistance of B. गड़बड़ नहीं करोगे ना? अरे हाँ या ना? No sir. पक्का? सबको यहाँ तक समझ में आया, रब करो बच्चे मैं? Yes sir. हाँ ठीक है. So चलो रब करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना. So अब आते हैं ना? पूछता है, थोड़ा कम पूछता है, बट हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, मैथ में भी यूज होता है, कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ माइनस कॉस थीटा होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब बेसिक एक एजम्पशंस लेके हमें प्रूफ करके बताना है कि आर इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है, ठीक है बच्चे। अरे आया ना? Yes, sir. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, yes, देखना, बहुत सिंपल, एकदम याद आया कि अच्छा ओम्स लॉ जो था ना, V और I से रिलेटेड कुछ बात करता है, मतलब पोटेंशियल और करंट से रिलेटेड बात करता है। अब ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको भूल जाते हैं, हमने पहले नहीं सुना है, तो याद आया करंट के बारे में, तो हमने कुछ तो सुना था और हमने डिराइव किया था कि एज करंट की वैल्यू जो थी ना, वो कुछ नहीं आवड़े थी, मतलब आता आता नहीं हमें, नियावड़े मतलब NEAVD, ऐसा कुछ हमने सुना था, ये हमने लिटरली डिराइव किया था। ओम्स लॉ एक स्टेटमेंट था जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो भी एक बार देख लो। उन्होंने एक कंडक्टर लिया था, एक लिया था कंडक्टर, यहां पे कंडक्टर में ना एक बैटरी लगा दिया, ये एक्सपेरिमेंट है बच्चा, अपना पहला एक्सपेरिमेंट जो है ना फिजिक्स का यही है, जब लैब में जाओगे तो पहला एक्सपेरिमेंट यही करोगे, तो एक्सपेरिमेंट भी देखी लो अभी। ये एक कंडक्टर तुमको मिलेगा, कोई वायर जैसा कुछ भी रहेगा, वो कंडक्टर तुम्हारा काम करेगा। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको बोलते हैं बैटरी, सही है। इसके पास ना बच्चे कुछ ना कुछ कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होगा, जिसको आर ले लेंगे हम। मैंने बताया कंडक्टर जो रजिस्ट वगैरह करता है, आएगा अभी टॉपिक में डिफाइन करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ले लेंगे आर। इसमें क्या करना है कि ये बताओ, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? एमीटर। एमीटर। अब ये बताओ, करंट सीरीज में सेम होता है कि पैरेलल में सेम होता है? सीरीज। सीरीज में। तो एमीटर को किधर लगाएंगे? सीरीज में। कॉमन सेंस है। एमीटर को अब क्वेश्चन है किधर, तो आंसर ये पूरा सीरीज कनेक्शन है, तुमको जिधर दिल करे उधर लगा दो, इधर अगर लगाना है तो इधर लगाओ, इधर लगाना है तो इधर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि एमीटर, पूरा प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से देखना, यही है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये अपना
वेरी अच्छा, ऊपर नहीं दिख रहा होगा बट भावनाओं को समझ जाओ। ये टॉपिक जो है उसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये बनाया ऐसे ही गया था, प्रैक्टिकल डेटा बेसिस पे ये बनाया गया था। क्या किया गया, एमीटर लिया गया। अब बताओ वोल्टेज को कौन बताएगा, वोल्टमीटर। अब बताओ वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है कि सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में। तो पैरेलल में लगा देंगे, तो इधर ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, ऊपर में जगह तुमको दिखेगा नहीं, मैं नीचे में लगा देता हूँ। तो ये क्या लगा दिया बच्चे, वोल्टमीटर, वी से डिनोट करते हैं, एमीटर को ए से, वोल्टमीटर को वी से। अब प्रैक्टिकल में जब करते जाते हो ना तो एक की आता है, की ऐसा, ये टैंक में सिंबल था, ऐसा कुछ की बोलते थे इसको। क्वेश्चन है की का क्या यूज है पता है, होता ये है ना कि बैटरी को आप सप्लाई से लगाते हैं ना, तो बार बार तुमको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, मतलब रीडिंग लेने के टाइम ना ऑन करना पड़ेगा, बाद में ऑफ करना पड़ेगा। तो हम बार बार ऑन ऑफ नहीं करते हुए की लगा देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है ऐसा, पॉइंट जब रख दो तो करंट फ्लो करता है, हटा दो तो बीच में खाली हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं की। अब एक्सपेरिमेंट में की लगाओ ना लगाओ बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, की लगाओगे तो बोर्ड से ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, और की नहीं लगाओगे तो बोर्ड से ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। अब क्या होता है कि वेरिफिकेशन करने के लिए ना हमें रेजिस्टेंस को मतलब करंट वगैरह चेंज होना चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे डिवाइस लगाते हैं जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है बच्चे, ऐसे एरो मार के भी दिखा सकते हो, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट, रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके दो टर्मिनल होते हैं। सर्किट समझ में आया बच्चे यहां तक? अरे बोलो। Yes, sir. आप देखो कैसे कनेक्शन कैसे करना है। शायद तुम में से किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है क्या अभी तक? नहीं। हाँ, तो देखो नहीं किया हो तो देखो कैसे करना है। करंट किधर से किधर जाएगा जल्दी बोलो। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मानूंगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैंने लिखा दिया था। तो देखो बच्चा, जैसे करंट जाएगा ना तो पहले वाले टर्मिनल को क्या कर देगा, पॉजिटिव, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे यहाँ आया करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक कंडक्टर के थ्रू जाएगा और एक किसके थ्रू जाएगा, तो वोल्टमीटर के थ्रू। तो कंडक्टर का पहला टर्मिनल क्या कर देगा, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इधर से जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर ये आएगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे करके करंट वापस आ गया। बोलो कुछ, किसी को कुछ भी डाउट है? सर, हाँ बोलो। सर, हाँ बोलो फिर से। सर ऊपर वाला बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, ऊपर वाला बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला जो लिखा है वो नहीं दिख रहा होगा, बोर्ड तो दिख ही रहा है। सो कैसे है कि ये कंडक्टर बनाया बच्ची, सिर्फ कंडक्टर बनाया, ठीक है, अभी मिटा के बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो एक कंडक्टर, एक सिलिंड्रिकल शेप बना दिया है जिसमें ऊपर प्लस डाला है, करंट जाएगा ना तो पहला वाला टर्मिनल प्लस कर देगा और दूसरा वाला टर्मिनल माइनस कर देगा। सिमिलरली जब नीचे से जाएगा ना तो पहला प्लस और दूसरा माइनस कर दिया। आया बच्चे? Yes, sir. हाँ। अब देखो कनेक्शन कैसे करना है, ये तो तुमको भी पता था, इसमें मैंने नया कुछ थोड़ी किया। कनेक्शन कैसे करना है, सर्किट का पहला एक्सपेरिमेंट है, सर्किट के टोटल 8 फर्स्ट पार्ट में और 3 सेकंड पार्ट में, सब सेम प्रोसीजर है। कैसे करना है स्टार्ट करो। बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक रेड होता है दूसरा ब्लैक या ब्लू होता है। रेड वाला तुमको पता चलेगा पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला निगेटिव होता है, लिखा भी रहता है। बैटरी के प्लस से एक वायर निकालो, किसको दोगे? अरे बोलो। एमीटर के प्लस को। सिंपल, बैटरी के प्लस से एक वायर निकाला और किसको जाके दे दिया, एमीटर के प्लस को। एमीटर का दूसरा टर्मिनल, उसमें भी प्लस माइनस लिखा रहता है, मतलब वहां पे ब्लैक और रेड यूज होता है, ब्लैक मतलब निगेटिव है और रेड मतलब पॉजिटिव है। सो एमीटर का निगेटिव डायरेक्ट दे दिया किसको, तो कंडक्टर को। अभी कंडक्टर में प्लस प्लस नहीं होता है, हमारे बॉडी का कंडक्टर है, कोई प्लस प्लस नहीं है, किधर से भी डाल दो वो तो करंट अपने हिसाब से एक को हाई कर देता है, दूसरे को लो कर देता है। तो कंडक्टर में जो तुमको मिलेगा ना वो सिंपली वायर होता है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो एमीटर का निगेटिव वाला पॉइंट ना कंडक्टर के किसी एंड को कनेक्ट कर दो, सही है। कंडक्टर का जो दूसरा एंड रहेगा ना
उसको उठा के रियोस्टेट के प्लस को डाल दो। रियोस्टेट में दो टर्मिनल होते हैं, रियोस्टेट में भी दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। उसके एक एंड को डाल दो, जो उसमें हाई दिखेगा तुमको वो डाल दो, और उसका दूसरा टर्मिनल उठा के की के एक पॉइंट को दे दो, की का दूसरा पॉइंट डाल दो बैटरी के माइनस को। अगर की हटा देना चाहते हो तो की हटा दो, रियोस्टेट का जो दूसरा वाला एंड है डायरेक्ट किसको चला जाएगा बच्चे, बैटरी के माइनस को। अब बच गया वोल्टमीटर, अब क्या बच गया वोल्टमीटर। तो सिंपल, वोल्टमीटर के प्लस एंड से वायर निकालो जो कि कंडक्टर के एक यहां वाले टर्मिनल से, जो जिससे एमीटर का नेगेटिव कनेक्टेड था ना, वहां से उठा के इसको लगा दो और इसका नेगेटिव वाला इस एंड को कनेक्ट कर दो। हो गया एक्सपेरिमेंट, कनेक्शन बताओ, कनेक्शन कुछ हार्ड था क्या? अब करना क्या होता है पता है, ये एक्सपेरिमेंट पूरा है, जिसको ये फाइनल एग्जाम में आता है सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे V का टेबल, यहाँ पे हाइट का टेबल, और यहाँ पे R का फॉर्मूला तुमको पता है V अपॉन I होने वाला है। क्या करो कि सपोज वोल्टेज को 2 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे, 8 वोल्ट पे रखना है। अब रियोस्टेट ऐसे ही इसलिए रखे हो, रियोस्टेट में आगे पीछे करोगे ना, वहां पे आगे पीछे करने के लिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट चेंज होगा। तो V 2 वोल्ट 4 वोल्ट इस पे कुछ ना कुछ तो करंट आएगा ना। सपोज इस पे करंट 1 एम्पीयर है, कितना 1 एम्पीयर, तो यहाँ पे 2 एम्पीयर आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। सब में रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, सो आंसर है 2 ओम ही आएगा। यहाँ पे भी 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। सो ये बहुत बार ना मैं बोलता हूँ भैया बुद्धि लगा के एक्सपेरिमेंट कनेक्शंस कर लो, थोड़ा आगे पीछे करता आता है तो अपने हिसाब से सबको सेम मत दिखाओ, थोड़ा सा चेंज दिखाओ। एक को 2 आ रहा है तो दूसरा 1.99 कर दो, मतलब 1.9 कर दो, 1.8 कर दो, 2.1 कर दो, ऐसा करना है। समझ में आया बच्चे एक्सपेरिमेंट है? Yes, तो एक्सपेरिमेंट सिंपल होता है, जो है वो थ्योरेटिकल। देखो कभी भी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जैसे नहीं होता है। हम जो जितने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं ना, डिटू सेम ही एक्सपेरिमेंट होता है। अब लैब में हम जाते हैं तो लैब असिस्टेंट को क्या थ्योरी पता नहीं होता है पूरा, तो वो लोग बोलते हैं इसको इसमें कनेक्ट करो, इसको इसमें करो, कुछ मत करो, नोटबुक पे एक डायग्राम बना लो, प्लस माइनस कर लो, अपने हिसाब से जिधर दिख रहा है उसे उधर कनेक्ट कर देना, ठीक है बच्चे। सो अब आते हैं इधर, ये डेरिवेशन है, ये अपना प्रैक्टिकल के लिए हो गया। अब आओ इधर, हमें पता था कि करंट का हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि I equal to NEA VD, हमने डिराइव किया था खुद से, ये कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था। अब जैसे VD देखा तो तुरंत याद है, अच्छा VD का भी फॉर्मूला देखा था, VD का फॉर्मूला क्या था, तो मैग्नीट्यूड था EE by M into tau था। फिर याद अच्छा E की वैल्यू भी कुछ थी, तो ये वेन वाला फॉर्मूला लगा दो, तो I equal to हो गया NE square A into V into tau upon M into L। अब जैसे ही देखा तुरंत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया, क्या फीलिंग आया कि देखा यहाँ N क्या है बच्चे, जल्दी बोलो, अरे बोलो N क्या है, नंबर डेंसिटी। हाँ N है नंबर डेंसिटी, वेरी गुड। N नंबर डेंसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर, अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो नंबर डेंसिटी कांस्टेंट। अब E बेचारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी कांस्टेंट। एरिया, अभी तुमने कंडक्टर का एरिया कहाँ चेंज किया, तुमने जो लिया वो लिया है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो एरिया भी क्या हो गया कांस्टेंट। टाउ क्या है बच्चे, रिलैक्स होने का टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये भी क्या हो गया बच्चे कांस्टेंट। एम क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर, हाँ सुनो ध्यान से, टाउ तब कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ध्यान से सुनो, टाउ तब कांस्टेंट होगा जब क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट। क्यों, टेम्परेचर जब बढ़ा दोगे तो काफी हाई स्पीड से भागेगा, हाई स्पीड से भागेगा तो कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। अगर कम होगा तो सबका सब रिलेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, आंसर होगा, अरे बोलो, तो आंसर है चेंज होगा। इसका मतलब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, याद रखना है टेम्परेचर क्या रखना है कांस्टेंट। एम है मास, मास मतलब किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, एंड व्हाट इज एल, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर।
अब लेंथ ऑफ कंडक्टर रूम टेम्परेचर के पे तो चेंज होने वाला है नहीं, और टेम्परेचर वैसे भी हम कॉन्स्टेंट रखे हैं, तो ना लेंथ चेंज होने वाला है, ना एरिया चेंज होने वाला है, ना नंबर डेंसिटी, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ना ही मास। इसका मतलब ये पूरा का पूरा, अच्छा एक काम करते हैं ना, वी डायरेक्टली वो पर्सनल डिवाइस दिखाना है ना, तो इसको उलट के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m into l upon n e square a into tau, और ये क्या हो गया i। तो देखो ये सारे के सारे टर्म, अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या हो गया बच्चे i। और अगर v equal to i into r लिखते हैं, so what is the value of r, so r is equal to m into l n e square a into tau, this is the value of electrical resistance, this r is the value of electrical resistance, और उसकी value क्या होगी m into l upon n into e square a into tau। बताओ derivation of Ohm's law आया कि नहीं आया? आया। सच्ची सच्ची बताओ, किसी को doubt है? अरे बोलो, कोई डाउट नहीं है ना। सो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोलते हैं पता चला, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से ना रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर हम जो चेंज करते हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, इसीलिए लेंथ चेंज की बात नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, 11th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन में मैंने ही सिखाया था, टेम्परेचर बढ़ने से ना लेंथ बढ़ जाता है, बट वो जो हम रूम टेम्परेचर पे जिसकी बात करते हैं ना, ये 27 डिग्री 30 डिग्री, इतने में तो वो लेंथ का तो हिलता भी नहीं है, थोड़ा सा भी लेंथ जो है ना चेंज नहीं होता है। सो जनरली रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है, और उस रिलैक्सेशन टाइम के कॉज से ना ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। देखो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाए, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो रिलैक्सेशन टाइम कम की ज्यादा, बोलो कम कम कम। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ज्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम कम, जल्दी जल्दी जाके कोलाइड करेगा ना, तो रिलैक्सेशन टाइम कम, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम की ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या हो गया ज्यादा। तो क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, मैं रब करूं? यस सर। So, अब मैं रब करके अब आ जाता हूं रेजिस्टेंस पे। अब तक रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताया नहीं था, सिर्फ लिख दिया था कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसी का नाम क्या रख दिया गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तीन नाम आता है बच्चे, हम अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो रजिस्टर रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, तीन नाम आता है, कौन कौन सा फिर से सुनो, रजिस्टर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तीनों में क्या डिफरेंस है सुनो। मेरा नाम है सुनील सर, काम क्या है बच्चे, अरे बोलो, पढ़ाना। हाँ पढ़ाना, और कौन सा मटेरियल का बनाऊ मैं, 5 एलिमेंट्स, कौन सा 5 एलिमेंट्स। सो नाम मेरा रजिस्टर, काम मेरा रेजिस्टेंस, और जिस मटेरियल का बनाऊं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो तीन चीज याद रखना है, रेजिस्टेंस पर्टिकुलर एक कंडक्टर या डिवाइस का नाम रख दिया गया है, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, एक ऐसा डिवाइस जो कि रेजिस्ट करता है, क्वेश्चन है किसको भाई, तो आंसर है फ्लो ऑफ चार्ज को या फ्लो ऑफ करेंट को, रेजिस्ट करता है, उसी प्रॉपर्टी को, उसी डिवाइस की प्रॉपर्टी को बोला गया रेजिस्टेंस, और जिस मटेरियल से मिलके बना होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आया कि नहीं आया बच्चे, अरे बोलो फिर क्या क्या बोला फिर से, रेजिस्टर जो है ना पर्टिकुलर एक डिवाइस का नाम है, मतलब हमारा हम कंडक्टर है, हमारे पास करंट फ्लो हो सकता है, इसका मतलब स्टिल हमारे पास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, मतलब हमारा बॉडी रेजिस्ट करेगा, तो हम क्या हो गए रेजिस्टर, सही है। हमारा काम क्या हो गया, करंट को रेजिस्ट करना, मतलब रेजिस्टेंस उस प्रॉपर्टी को बोल दिया गया, एंड जिस मटेरियल के थ्रू ये सब हो रहा है उसको रेजिस्टिविटी बोल दिया गया।
सो तीन टर्म आपको याद रखेगा, नाम रजिस्टर है, काम रजिस्टेंस है, और वो जिस मटेरियल से बना है या बनाया गया उसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे? अरे हाँ ना, यस सर। अब क्वेश्चन है कि ये रजिस्टेंस ना सच में क्या होता है, क्यों रजिस्टर करता है? रजिस्टेंस है, ठीक है भाई, बोल दिया कि रजिस्टेंस जो है ना रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम रजिस्टेंस बोलते हैं। ये कंडक्टर है जिसका नाम हमने रख दिया रजिस्टर, सही है, और ये रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, इसीलिए रजिस्टेंस लिख दिया। क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन ये था कि ये रजिस्ट क्यों करता है? कोई बताएगा बच्चे रजिस्ट क्यों करता है? हाँ या ना? कोलाइडन होता है। हाँ कोलाइड होता है, सही है। मैक्सिमम चीजें हम रिलैक्सेशन टाइम में देख चुके हैं। होता क्या है कि जैसे तुम बैटरी लगाते हो, बैटरी लगाने से यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। जैसे बैटरी का प्लस माइनस होता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन ड्रम ड्रम भागता है, मतलब भागता है, भागते से क्या होता है ड्रम ड्रम कोलिजन होता है। अब कोलिजन देखो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होगा बढ़ेगा। मतलब कोलिजन कर कर के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं। जितना कम कोलिजन, ध्यान से सुनना, जितना कम कोलिजन उतना कम रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जितना कोलिजन ज्यादा होगा ना, रजिस्ट उतना क्या करेगा ज्यादा करेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस टर्म है, ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस टर्म है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेट कर रहा है, और उसके कोड से रिलैक्सेशन टाइम से रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे देखो, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने लिखा है एम इंटू एल, ये कहां से आया अभी पता चल गया आपको, एम इंटू ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब ध्यान से सुनना, तुमने जैसे आप प्लस माइनस किया ना तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो गया ई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोर्स से इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन के भागने से कौन सा स्पीड आया उसके पास, तो ड्रिफ्ट आया। जैसे ड्रिफ्ट स्पीड आया, डायरेक्शन के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, तो रिलैक्सेशन टाइम आया। अब सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया कि ज्यादा हो गया बच्चे? कम हो गया। कम, इसका मतलब कोलिजन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, बोलो? ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है इसका मतलब कोलिजन ज्यादा हो रहा है। अगर कोलिजन ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, सही है। देखो एम कॉन्स्टेंट L कांस्टेंट, एक कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी क्या होती है कांस्टेंट, E क्या है कांस्टेंट, तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो A भी क्या है कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है टाउ, चेंज क्या हुआ टाउ। मतलब अगर यहाँ पे स्पीड जो है तुमने, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो गई थी, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया था बच्चे, कम हो गया था, और कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो सही आया कि नहीं आया? आया सर। पक्का सबको पता चला ना कि क्या किया मैं? यस सर। तो रेजिस्टेंस होता क्यों है, क्योंकि भाई कोलिजन जब होता है ना तो इसका मतलब एक दूसरे को रेजिस्ट करते हो, और वो रेजिस्टेंस जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम जितना कम करते जाओगे ना, वो रेजिस्टेंस उतना क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए दो टाइप का रेजिस्टेंस हम हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है और दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना उसमें रिलैक्सेशन टाइम हम फिक्स रखते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, और बाकी जगह रिलैक्सेशन टाइम चेंज हम कर पाते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। यहां तक आया बच्चे? हाँ सर। तो रेजिस्ट कोई yes, रेजिस्टेंस कहां से पैदा होता है पता चला, वो कोलिजन से पैदा होता है। ये जितना इनका कोलिजन बढ़ते जाता है, जितना कोलिजन बढ़ता है रिलैक्सेशन टाइम उनका उतना कम होता जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना
बढ़ते जाता है। तो रेजिस्टेंस रजिस्टर वर्ड से लिया गया है, तो उस डिवाइस का नाम रख दिया गया था रजिस्टर, उसका जो काम था रजिस्टर करना, अब कम करेगा कि ज्यादा करेगा तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। सो रजिस्टर करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस रख दिया गया, और जिस मटेरियल से बना था दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी। सो इसी में देखो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आर इक्वल टू एम अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू सॉरी एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ और एल अपॉन क्या कर दिया बच्चे ए। तो देखो ध्यान से, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एक फॉर्मूला हमने देखा था कि नहीं देखा था बच्चे टेंथ में, देखा था। रो होता था रेजिस्टिविटी, क्या हुआ चेक करना, दो कंडक्टर हम लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये दो कंडक्टर लेते हैं, एक लेते हैं कॉपर और दूसरा लेते हैं एल्यूमिनियम, ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है, इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, इसका लेंथ बच्चे एल है और इसका भी लेंथ जो है वो भी बच्चे एल है, सही है। मतलब एक कॉपर है एल्यूमिनियम है, क्या कॉपर एल्यूमिनियम का दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता है, हाँ या ना? ना नहीं होता। अगर लेंथ और एरिया सब कुछ सेम ले लेना तभी अलग होता है, तो क्वेश्चन अलग क्यों होता है भाई, लेंथ और एरिया तो हमने सेम लिया फिर भी रेजिस्टेंस अलग क्यों हुआ। तो देखो एल और ए, अगर तुमने एल और ए कांस्टेंट कर दिया तो क्या बचा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ई कांस्टेंट है, सही है। अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सेम रखा है तो टाउ भी कांस्टेंट जाएगा, एन चेंज होगा, एन किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, सो एन डिपेंड्स ऑन, एन डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, एन क्या था बच्चे बताना फटाफट, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, इसका मतलब ये पूरा टर्म n की वैल्यू चेंज होगी, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, चेंज हो गया, तो इसको रख दिया गया बच्चे नाम रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनो, इसी टर्म का नाम क्या रख दिया गया, रेजिस्टिविटी। सो इसके बाद यहां लिख रहा हूं, अगर ये दोनों टर्म एक कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का लेंथ एरिया सेम भी ले लिया तब भी क्या चेंज हो जाता है, तो नंबर डेंसिटी चेंज हो जाता है और उसके कॉज से पूरा का पूरा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। सो क्या करना है बच्चे ध्यान से देखना है यहां पे, सो आर इक्वल टू यहां पे ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म एक था ना, इसका नाम ले लिया गया रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस का जो दूसरा फॉर्म आया आर का फॉर्मूला वो कितना आ गया, रो एल बाई ए, वेयर व्हाट इज रो, सो रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, एम अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर टाउ, ये किसकी होगी वैल्यू बच्चे, रेजिस्टिविटी की। किसी को डाउट है? No, sir. तो किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड किया थोड़ा बताना, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड किया, देन लेंथ पे भी डिपेंड किया, देन एरिया पे भी डिपेंड किया और टेम्परेचर पे भी डिपेंड किया। सो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया, फिर से फर्स्ट वन जो है लेंथ पे, सेकेंड वन एरिया पे, थर्ड वन रेजिस्टिविटी पे एंड फोर्थ वन टेम्परेचर पे। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, अगर तुम मटेरियल चेंज होगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, तुम एरिया चेंज करोगे या लेंथ, तो सब पे क्या डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस। सच में पता चला कि नहीं पता चला, अरे बोलो, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना, सही से बताओ जल्दी। नो सर। हाँ। ये प्रॉब्लम तो कांस्टेंट टेंपरेचर होगा ना? जोर से बोलो बच्चा फिर से। सर ये फॉर्मूला जो है R is equal to m upon n square upon tau l by ये सिर्फ कांस्टेंट। हाँ ये कांस्टेंट है बच्चे। ये कांस्टेंट है। ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग-अलग वैल्यू होगी, फॉर्मूला यही रहेगा, वैल्यू अलग अलग होगी,
ये भी डेरिवेशन में पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन में। मैं क्वेश्चन बैंक भेजूंगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको रब करता हूं बच्चे, और छोटे छोटे एक दो टर्म और है फटाफट देख लेते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, जो हमने सीखा ना, तो रेजिस्टेंस का उल्टा एक टर्म होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा टर्म होता है कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टिविटी से उल्टा है कंडक्टिविटी, वैसे कंडक्टेंस। मैक्सिमम जगह इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी, बहुत सिंपल। रेजिस्टेंस का उल्टा वाला भाई का नाम क्या है? कंडक्टेंस। तो जी इक्वल टू वन अपॉन आर हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखना है तो सिंपल, आर का जो भी रहेगा उसको उलट दोगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कंडक्टेंस का। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस का तो ऐसा यूनिट लिखा ही नहीं। रेजिस्टेंस का बच्चा ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। अरे बोलो, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? OHM, और ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल को क्या बोलते थे? ओम। सो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, और रिप्रेजेंटेशन ये है। इसमें उसका उल्टा हो जाता है, मो, MHO। देखो सिंबल उलट दिया, ओम का उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? महो नहीं, बहुत सारे महो महो करते हैं, मो, एच साइलेंट होता है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम रेस्ट टू पावर व्हाट? माइनस वन, ठीक है। सो ये हो गया कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को बताता है, और कंडक्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बताता है कि कितना ज्यादा फ्लो करा सकता है करंट को। इसी का एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहां पे देखो, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को बताता है। जो मटेरियल है ना वहां पे रेजिस्ट करने का मटेरियल के नेचर को बता रहा है, और ये कंडक्ट करने के अबाउट बता रहा है। सो कंडक्टिविटी इज सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे? रेजिस्टिविटी। आया कि नहीं आया? अरे बोलो, इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। कैसे? क्योंकि रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है ना, तो हम उसको उलट देंगे तो क्या मिल जाएगा? उसका दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। पक्का पता चला ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। हाँ ना? Yes, sir. बहुत छोटा लेक्चर था, लेकिन वो आगे पीछे घूम रहा था। सारे फॉर्मूला को याद रखना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनो। बेसिक दो ही फॉर्मूला थे, वही दो फॉर्मूला जो एनए नी आवड़े वाला, आई इक्वल टू एनए बीडी एंड वी इक्वल टू ई बाई एम इन टू टाउ, इसी दो फॉर्मूला को यूज करके आगे पीछे हमने सब कुछ किया है, ठीक है। सो मान लें यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक चीज और बच्चा, माइक्रोस्कोपिक एक रिलेशन होता है ओम्स लॉ का, माइक्रोस्कोपिक रिलेशन। देखो कैसे होता है, बहुत सिंपल है। हमें पता है ना कि आर इक्वल टू क्या होता है बच्चे? वी अपॉन आई। बोलो, आर इक्वल टू क्या होता है बच्चे? वी अपॉन आई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। अब इसी में ना हाँ नहीं, उससे अच्छा ना हाँ ठीक है, वेद वाला फॉर्मूला लगाओ। तो वेद वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बोलो क्या आएगा जल्दी? हाँ, सो E इंटू क्या हो जाएगा? L। E इंटू क्या हो जाएगा बच्चे? L। करंट वाले का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? सो करंट का फॉर्मूला करंट डेंसिटी के टर्म में, तो करंट डेंसिटी के फॉर्म में J इक्वल टू क्या होता है बच्चे? I अपॉन A। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? J इंटू A। हाँ या ना? अरे बोलो, किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पहले से पता है ना, रोयल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो कहीं तो लिखा है, रोयल बाई ए, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? E into L upon J into A। A A cut, L L cut, so E equal to क्या हो गया? Rho into J। तो ये भी एक बच्चा ओम्स लॉ का ये पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी।
बहुत सारे जगह लिखा है, इसको माइक्रोस्कोपिक रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक रिलेशन या फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ कौन सा लॉ? तो आंसर है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये भी बताता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? करंट डेंसिटी रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाओगे करंट की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, करंट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी करंट डेंसिटी की वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी। आया कि नहीं आया बच्चे? क्या क्या पता चला? R equal to V upon I, R का फॉर्मूला रख दिया और V का इलेक्ट्रिक फील्ड में और I का करंट डेंसिटी के फॉर्म में। तो एक रिलेशन आ गया कि E equal to rho into J, इसी को 1 upon sigma लिखते ना, तो E equal to J upon sigma भी लिख सकते थे। E equal to J upon sigma लिख सकते थे। सच में आया बच्चे याद है? तो आप लोगों को आज का पूरा जो टॉपिक था वो डेरिवेशनली चला गया। नेक्स्ट का पूरा क्लास हम ट्राई करें कि मैथमेटिकल जाए, मतलब न्यूमेरिकल सेक्शंस में जाए, और अभी तो डेली क्लास अपनी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, एंड जो भी है खत्म करो फटाफट समझ के। स्टिल कोई डाउट होगी तो आप लोग कॉल करेंगे मुझे, ठीक है बच्चे? यस सर। चलो थैंक यू।